हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज है 1 मार्च 2019 और आज से डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे मूवीज चैनल्स और एंटरटेनमेंट चैनल्स हटा दिए गए हैं। बहुत सारे चैनल्स पेड चैनल्स हो गए हैं, इसलिए अब ये फ्री टू एयर वाली छतरी डीडी फ्री डिश पे नहीं दिखेंगे। अब ये चैनल्स पेड वाली छतरी जैसे कि डिश टीवी, वीडियोकॉन और टाटा स्काई जैसे पेड छतरी पे दिखेंगे। और इसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारे नए चैनल्स भी ऐड हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेते हैं कौन कौन से चैनल्स बंद हो चुके हैं और उनकी जगह पे कौन से चैनल्स आए हैं और कौन कौन से नए चैनल्स डीडी फ्री डिश पे ऐड हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले देखते हैं हम स्टार उत्सव। इसकी जगह पे देखिए दोस्तों, स्टार उत्सव की जगह पे डीडी भारती चैनल आ रहा है। स्टार उत्सव चैनल अब फ्री टू एयर पे नहीं दिखेगा, डीडी फ्री डिश पे नहीं दिखेगा। और इसके बाद देखिए जी अनमोल, ये भी बंद हो गया। इसकी जगह पे डीडी उर्दू चैनल आ रहा है। और अगला चैनल जो है उसको देख लेते हैं दोस्तों। अगला चैनल है दोस्तों सोनी पल, ये भी बंद हो चुका है। सोनी पल की जगह पे डीडी उत्तर प्रदेश चैनल आ रहा है। और अगला जो चैनल है दोस्तों वो है डीडी फ्री डिश का काफ़ी लोकप्रिय चैनल था स्टार भारत, वो भी अब बंद हो गया है। इसकी जगह पे नेशनल गुवाहाटी आ रहा है। तो और ये रिश्ते चैनल है दोस्तों, इसकी जगह पे भी अब देखिए दूसरा डीडी मध्य प्रदेश आ रहा है। और ये रिश्ते चैनल भी बंद हो चुका है डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर। ये बिग मैजिक तो अब पहले भी चल रहा था, अभी भी आ रहा है। और हमारा दंगल चल रहा है, स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट भी चल रहा है दोस्तों। और हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा चैनल आगे बंद हुआ है। यहाँ पे नापतोल ब्लू चैनल पहले चल रहा था, इसकी जगह पे NT8 चैनल आ गया है। NT8 चैनल दोस्तों सिनेमा टीवी चैनल का नाम चेंज करके ये NT8 चैनल बन गया है। यहाँ पे साफ साफ नीचे पट्टी दिख रहा है दोस्तों, उस पर लिखा है कि सिनेमा टीवी इज़ नाउ NT8। जो पहले सिनेमा टीवी था उसका अब नाम चेंज करके NT8 हो गया है। अगला चैनल है रिश्ते सिनेप्लेक्स, इसको भी बंद कर दिया गया है। इसके जगह पे डीडी इंडिया का चैनल आ रहा है। और अगला चैनल है दोस्तों सोनी वाह का, इसकी जगह पे देखिए दोस्तों रिपब्लिक भारत का न्यूज़ चैनल आ रहा है। सोनी वाह भी बंद हो चुका है डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर। और अगला जो मूवीज़ चैनल है स्टार उत्सव मूवीज़, उसको भी बंद कर दिया गया है दोस्तों। उसकी जगह पे आप देख सकते हैं दूरदर्शन के चैनल्स आ रहे हैं। जी अनमोल सिनेमा की जगह पे देख सकते हैं दोस्तों डीडी बिहार का चैनल आ रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, जी अनमोल सिनेमा बंद हो चुका है। और ये देखिए सिनेमा टीवी की जगह पर यहाँ पर फैशन टीवी नाम से कुछ चैनल आ रहा है। डीडी फ्री डिश पे एक नया चैनल ऐड हुआ है दोस्तों, जिसका नाम है स्काई स्टार मूवीज़। तो आप देख सकते हैं डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पे कुछ चैनल्स नए आए हुए हैं। और इसके साथ ही एक और चैनल आया है दोस्तों, जिसका नाम है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे होम शॉप 18 की जगह पे NDTV का न्यूज़ चैनल आया हुआ है। और एक पंजाबी चैनल ऐड हुआ है दोस्तों, जिसका नाम है TTV। यहाँ पे चाडिकला टाइम टीवी जो चैनल था उसकी जगह पे इसको लाया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म से जितने भी दमदार चैनल्स थे, मूवीज़ चैनल्स और एंटरटेनमेंट चैनल्स, उसको रिमूव कर दिया गया है। और इसके साथ ही अब डीडी फ्री डिश का प्लेटफॉर्म दोस्तों बिल्कुल ही मनोरंजन लायक बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म से अच्छे अच्छे एंटरटेनमेंट और मूवीज़ चैनल्स हटने के बाद इंडिया के 30 मिलियन से ज़्यादा घरों से डीडी फ्री डिश देखने वालों को बहुत ही ज़्यादा निराशा हाथ लगी है, क्योंकि उनका मनोरंजन का एकमात्र जो साधन था डीडी फ्री डिश के ज़रिए, जो बिल्कुल फ्री टू एयर था, अब उनको अच्छे चैनल्स देखने के लिए काफ़ी मोटी रकम अदा करके केबल टीवी लगवाना होगा, तब जाके उनको कुछ अच्छे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी निराशाजनक बात है इंडिया के व्यूवर्स के लिए, जो 30 मिलियन से ज़्यादा घरों पे डीडी फ्री डिश का चैनल्स चलते थे, उनके लिए आज बहुत ही
दुखद बात है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि डीडी फ्री डिश पे अच्छे चैनल्स वापस आने चाहिए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।